हेलो एवरीवन दोस्तों, जिवें कि तुसीं जानदे हो अक्सर असीं तुहानूं अपने सक्सैसफुल कैंडीडेट नूं मिलाने रहिंदे आ, पर जिवें कि तुसीं अजकल ट्रेंड जानदे हो कैनेडा दे स्पाउस ओपन वर्क परमिट दा जिहड़ा रिजल्ट है वह काफ़ी डिले हो रहे हैं, काफ़ी स्लो रिजल्ट आ रहे हैं। पर अच्छी गल है कि पॉजिटिव ट्रेंड हैगा, पिछले महीने या पिछले हफ्तों के साडे काफ़ी एप्लीकेंट्स ने जिन्हों अडिशनल डाकूमेंट की रिक्वेस्ट आई हैगी है, तो कुछ कैंडिडेट ने जिन्हों मैडिकल रिक्वेस्ट भी आई हैगी है। सो जिदा ही उन्होंने पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी तो उन्होंने पासपोर्ट स्टैंप होकर आएंगे, उन्होंने भी असी तुहाडे नाल मिलावांगे। साडी कोशिश हुंदी है कि असी तुहाडे नाल सक्सैसफुल कैंडिडेट मिलाइए, किते ना किते बिजनेस भी है ये साडा। इस तो अलावा परपस हुंदा है कि तुहानू उन्हां दे एक्सपीरियंस जिहड़े ने शेयर करिए तुहाडे नाल, सो दैट तुहानू अवेयर कर सकीए। सो अज अभिषेक राणा जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले ने, इन्हां दा जिहड़ा हैगा वीजा स्टैंप होके आया। सो अभिषेक, सब तो पहला तुहानू बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच सर। सो फाइनली 2 साल बाद तुहाडा जिहड़ा ड्रीम ट्रू हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत वधाई हो गई जी। दोस्तों, इन्हां ने पहला किसी होर एजेंट तो अपनी फाइल लगाई सी, ते 2 बार इन्हां दा जिहड़ा वीजा रिफ्यूज हो गया सीगा। किसी ने इन्हां नूं इन्हां दे फादर नूं रिकमेंड किया साडे बारे, सो फाइनली असीं इन्हां दी फाइल प्रोसैस की। सो अभिषेक, थोड़ा अपने बारे दसो साडे दर्शकां नूं। वैल सर, मेरा नाम अभिषेक राणा जी, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला है, होटल इंडस्ट्री च जॉब की है, मिसेज मेरे ब्रिटिश कोलंबिया 2019 गए सर। कितों तुसीं जदों तुसीं पहला 2 बार रिफ्यूज होया सी ते हुण तुहाडा वीजा आ गया, की डिफरेंस तुसीं महसूस किया, जां कोई ऐसी चीज सी जो असीं तुहानूं एक्सट्रा करन नूं कीती जां कुछ इस तरह दा? नहीं सर, जो मेरे इस वारी डॉक्यूमेंट लगे हैं वह बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगे, कोई फेक नहीं सीगा। जिथों मैं पहला लगाया सीगा उत्थे फेक डॉक्यूमेंट 3-4 फेक डॉक्यूमेंट लगे ने, मैं मिसगाइड होया उधरों। ईवन तो मैंने डर सीगा कि मेरा बैन ना लग जाए सर, ठीक है। 2 रिफ्यूजल्स आईया उधरों, तो इधर मैंने पूरी होप सी कि एक बार डॉक्यूमेंट लग चुका है, हुण इस बार मैंने डॉक्यूमेंट देने की कोई लोड़ नहीं। किस तरह के फेक डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा सी तुहानूं करवा लो? सर, वो पासपोर्ट तक चेंज करवाता सी उन्होंने। अच्छा, मेरा पुराना पासपोर्ट फड़वा के नवा पासपोर्ट बनवाता सीगा, ते वो सैलरी स्लिप्स वगैरह जो पुरानी भी सीगियां जो मेरे को नहीं भी सी जिस टाइम तक काम नहीं करते सी, वो कहंदे कि तुसीं रिटर्न च बना दो, इदां कर दो, वो काम मत करो प्लीज। कोई साडी टीम ने तुहानूं कोई इस तरह की कुछ चीज करन दी? सर, मेरा बिल्कुल भी इदां दा कोई इत्थे डॉक्यूमेंट नहीं लग्या, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगे ने, बैंक दी ITR लवाईयां ने, सारा कुछ जो उन्होंने बोले मैं वो दिता, कोई फेक नहीं सीगा सर। कोई गलत इंफॉर्मेशन दिती? नहीं सर, नहीं। ठीक हो गया सर, मैं तो फोन करने की लोड़ भी नहीं पैंदी सीगी। चलो, मैं 1 साल दे विच 2 वारी मैम नूं फोन कीता, तीजी वारी अज मैं वीजा लेना आया जी। दोस्तों, जिवें इन्होंने अपना दस्या कि इन्होंने किसी एजेंट तो अपनी फाइल लगाई सी जिन्होंने काफ़ी जिहड़े इन्हां नूं फेक डॉक्यूमेंट वगैरह भी करवाउण नूं कहा, पर असीं इन्हां नूं कहा कि इस तरह के करन दी बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो तुहाडी जेन्युइन प्रोफाइल हैगी है उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फाइल तुहाडी एम्बैसी दे विच लॉन्च करांगे। सो सही तरीके नाल फाइल लॉन्च की तो फाइनली जिहड़ा हैगा इन्हां नूं अज जिहड़ा हैगा वीज़ा ग्रांट हो गया हैगा। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट सानू अप्रोच करते हैं जदों सानू पता चलता कि उन्होंने फाइल जल्दबाजी दे विच जां किसी अनजाण बंदे दे थ्रू अपनी फाइल लगाती तो उन्होंने रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा। सो साडी टीम वालों तुहानू स्पैशल सुजैशन है कि जदों तुसीं अपनी फाइल लगानी है प्रॉपर रिसर्च करो, एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू ही अपनी फाइल सबमिट करो जिस नूं इस प्रोडक्ट का एटलीस्ट जिहड़ा हैगा अच्छा एक्सपीरियंस होवे, सो दैट तुहानू इन्हां दी तरह इन्नी ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पवे। इन्हां दे केस दे विच एक होर चीज़ तुहाडे नाल शेयर करांगे, जिद्दां कि इह जिहड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे एप्लीकेंट फेस कर रहे ने, जिद्दां कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट दे रिजल्ट काफ़ी टाइम तो रुके हुए ने, 2-2.5 साल का गैप हो गया किसी का रिफ्यूजल कारण या किसी का रिजल्ट ना कारण। सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दे जिहड़ी प्रॉब्लम्स हुंदियां ने वो बहुत सारे एप्लीकेंट फेस कर रहे ने, इन्हें नाल भी कुछ ऐदां ही होया सीगा। बिल्कुल सर, बड़े उतरा चढ़ाए हैं इन्हां दे, सो पेशेंस खत्म हो जाती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है। सो फाइनली हुण सब कुछ ठीक है, अज मैं टोटली हैप्पी हाँ सर, बहुत खुश हैं, मैं अपनी मिसेज नूं मिलन जा रहे हैं 2.5 साल बाद, बहुत हैप्पी है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर, थोड़े कारण है, थोड़ी टीम के कारण। थैंक यू वेरी मच। होर साडे दर्शकां नूं तुसीं साडे बारे की कहना चाहोगे? सर देखो, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली एक गल बोलदा, इधर उधर भजन की लोड़ नहीं है, जो भी सानूं वॉच कर रहे हैं इस वेले तुसीं इधर उधर मत जाओ, ठीक है, पैसे बर्बाद होणगे, एक बार इधर आओ, विजिट करो, गाइडेंस लो चंगी, थानू सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बोले जाएंगे, कोई फेक नहीं, और मैं पूरी होप कर दें कि थानू फर्स्ट अटैम्प्ट च वीजा मिलेगा, कोई भी वीजा हो, विजिटर वीजा, स्पाउस वीजा, एनीथिंग। चलो, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, जेकर तुहाडा भी किसी तरह का स्पाउस ओपन वर्क पर विजिटर वीजा या स्टूडेंट वीजा लैके कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो तुम साड़ी ऑफिस विजिट कर सकते हो, साड़ी टीम में मिल सकते हो, इस तो अलावा सोशल मीडिया राही भी तुम क्वेरी कर सकते हो, तो मैं आस करदा जल्द ही तुहाडे नाल दोबारा रूबरू होवांगे एक होर किसी सक्सैसफुल कैंडिडेट के नाल। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।